हेलो एवरीवन यू आर वेलकम टू वेस्टनोस ट्यूटोरियल इन दिस वीडियो वी विल अबाउट फिफ्टीन सेंचुरी वी हैव कम्पलीटेड मोस्ट ऑफ वीडियो तो हम डिस्कशन कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का ये आपका रिविजन एक uh, सीरीज़ है तो अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस देख ली हैं वेरी गुड और जितने शॉर्टकट्स मैंने अभी तक बताए हैं उन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं तो फिफ्टीन सेंचुरी का जो पीरियड है उसे एक लॉन्ग बैरन पीरियड कहा गया है बैरन पीरियड का मतलब ये था कि वहाँ पर जो लिटरेरी एक्टिविटीज़ थी वो लगभग ज़ीरो थी राइट सो फ्रॉम डेथ ऑफ़ चौसा टू रनेसा तो डेथ ऑफ़ चौसा हम लोग जानते हैं कि इट वाज 1400 और 1516. को रिनेसा पीरियड का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है तो इसलिए हम इसे यहाँ तक ये यह पीरियड मान लेते हैं वार ऑफ़ रोजेज़ वार ऑफ़ रोजेज़ के बारे में हमने बात की थी दे थर्टी ईयर्स स्ट्रगल एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछ लेता हूँ कि क्या आपको याद है कि वार ऑफ़ रोजेज़ में क्या कौन विनर हुआ था लैंकेस्टर या आ, आपके हाउस ऑफ यॉर्क तो एक मैंने शॉर्टकट तरीका आप लोगों को बताया था तो देखते हैं आप लोगों को याद है या नहीं है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अभी टाइप कर सकते हैं वीडियो देखते देखते नोन एज दॉर ऑफ रोजेस तो जो ये थर्टी ईयर्स का स्ट्रगल था पावर के लिए और इसमें आपको एक चीज़ एक क्वेश्चन और पूछता हूँ साथ साथ आपको क्वेश्चन पूछता हुआ चलता हूँ इससे कि आप लोगों का थोड़ा सा रिवीजन और देखते हैं कितना रिवीजन अच्छा हो पा रहा है कि जो सिंबल ऑफ रोजेज उन्होंने यूज़ किए थे इसीलिए इसे वॉर ऑफ रोजेस कहा जाता है तो आप लोगों को बताना है कि जो लैंकेस्टर थे मैंने एक शॉर्टकट बताया था तो ये वाइट रोज़ इनका सिंबल था या इनका सिंबल रेड रोज़ था तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट है तो आप लोग लिख सकते हैं कि लैंकेस्टर का कौन सा था वाइट या रेड और इसमें विनर कौन हुआ था तो आप लोगों को ये दोनों चीज़ें बतानी हैं कमेंट बॉक्स में प्रेस बाय कैक्सटन से फोटीन सेवेंटी सिक्स एक बार आप लोग थोड़ा सा सोचिए कि जो प्रेस अगर होने से ना लिटरेचर में क्या डेवलपमेंट आ सकता है द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस बाय कैक्सटन वाज अ हिस्टोरिकल इवेंट तो ये हिस्टोरिकल इवेंट क्यों माना जाता है जब ज़्यादा बुक्स छपेंगी तो ज़्यादा लिटरेचर क्या होगा स्प्रेड होगा और जब ज़्यादा लिटरेचर लोग स्प्रेड होगा तो ज़्यादा लोग उसे पढ़ पाएंगे अब कुछ फॉलोवर्स थे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि जो इंग्लिश चौसेरियन कौन थे स्कॉटिश जो थे चौसेरियंस कौन थे तो इनमें हम देख लेते हैं तो पहला है आप लोगों का थमस ऑकलेव दूसरा है आपका जॉन लिटकिट स्टीफन हाउस एंड जॉन्स जॉन स्केलेटन इसके बाद आते हैं आपके स्कॉटिश चौसेरियन तो इसमें आप लोगों का फर्स्ट जो है वो है आपका जेम्स फर्स्ट इन्होंने किंग स्क्वायर लिखा था एलिगोरिकल रोमेंस ये है और ये बेस्ड जो है वो है रोमन डेला रोज अब क्योंकि ये चौसर के फॉलोवर थे इसलिए इनको क्या कहा जाता है चौसेरियन कहा जाता है तो इन्होंने जो भी वर्क जो लिखे होंगे बेस्ड लिखे होंगे तो आपको एक तरह से अगर ये पता है कि ये स्कॉटिश इंग्लिश चौसेरियन या सिंपली आपको पता है कि चौसेरियन है तो आपको जब एग्ज़ाम में चार एग्जाम मल्टीपल चॉइस में दिए जाएंगे तो आपको वहाँ पर दिक्कत नहीं होगी कि कौन सा वर्क पे ये बेस्ड होगा क्योंकि चौसर का वर्क है तो चौसर के वर्क अगर आपको पता है मैंने आपको जो पिछली वीडियोस अपलोड की थी उसमें एक शॉर्टकट भी बताया था कि आप अगर उसे रट लेंगे तो आपको चौसर के सारे वर्क याद हो जाएंगे तो जेम्स फर्स्ट का जो वर्क है वो है किंग स्क्वायर और किंग स्क्वायर किस वर्क पर बेस्ड था वो था आपका रोमन बेलारोस और ये एक एलेगोरिकल रोमांस है और अगर आपको मैंने पहले ही बताया है कि अभी तक फिफ्टीन सेंचुरी तक जो भी वर्क लिखे गए मोस्ट ऑफ एलेगोरिकल थे ठीक है तो अगर आपको कभी ब्लाइंड तुक्का लगाना हो अपने उसमें एग्ज़ाम में तो आप एलेगोरिकल पे लगा सकते हैं रॉबर्ट हैंड्रिसन ये लगभग जो आपका आंसर होगा वो लगभग आपका एट्टी तो बिल्कुल सही होगा ये आप लोग मान के चलिए रॉबर्ट हैंड्रिसन द टेस्टमेंट ऑफ क्रिड इज़ कॉन्टीन्यूशन ऑफ चार्सल ट्रॉलिस एंड क्रसीडा उन्होंने जो ट्रॉलिस एंड क्रसीड जो वर्क लिखा था वही रॉबर्ट हैंड्रीसन ने उसको आगे बढ़ाया था इट वॉज़ कंटिन्यूएसन नाव विलियम डनबार विलियम डनबार का जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है काफ़ी बार पूछा जाता है वो है आपका डांस ऑफ सेवन डेडली सेंस अदर वर्क्स आर दीसल एंड द रोज एंड गोल्डन टार्च तो ये इनके वर्क थे इसके अलावा अगर हम यहाँ पर एक माइंड मैप देख लें इसका तो फिफ्टीन सेंचुरी में आप लोग देख सकते हैं हिस्टोरिकल बैटल ऑफ एगनकोर्ट जो हुआ था फिफ्टीन सेंचुरी का अगर हम बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं तो इसमें आपका बैटल ऑफ एगनकोर्ट था जो कि हुआ था फिफ्टीन फोटीन फिफ्टीन में एंड फॉल ऑफ कॉन्सटेंट पोल ये फोर्टीन फिफ्टी थ्री ये बहुत इंपॉर्टेंट था फॉल ऑफ कॉन्सटेंटिपोल इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसकी वजह से वहाँ से जो राइटर्स थे वो फ्लैड हुए और ब्रिटेन की तरफ को आए सो so, इसलिए जो रडिशा था वो शुरू हुआ था वार ऑफ रोजेज़ वार ऑफ रोज़ेज़ कब शुरू हुआ था फोरटीन फिफ्टी फाइव टू फोरटीन एटी फाइव के बीच में हुआ था एंड कैक्सटन प्रेस जो हुआ था फोरटीन सेवेंटी सिक्स हुआ था तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को है नहीं अभी अभी तक अगर आप पूरी जो ईयर्स आप लोगों को याद करनी हो लगभग ट्वेंटी आप लोगों को याद करनी है हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे इसको आ, प्रैक्टिस कर लेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में आ, जो भी ईयर्स हैं उनको हम बना लेंगे इंग्लिश चौसेरियन इंग्लिश चौसेरियन इसमें जॉन लिटगेट के बारे में बात की थी हमने थॉमस अकलेव के बारे में बात की थी तो इनका कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है उसे देख लेते हैं इनके बारे में जो चीज़ें हैं उसे आप देख सकते हैं

सो so, जो लंडन लिक पैनी है ये इनका मास्टर पीस वर्क है दिस इज हिज़ वी कैन से मैगनमोपस एंड रीजन एंड सेंसुअलिटी हिज वर्क एंड स्टोरीज ऑफ थीव इट वॉज कॉल्ड अ न्यू कैंटरबरी टेल्स और जो स्टोरी ऑफ थीव है इसी को अ न्यू कैंटरबरी टेल्स भी कहा जाता है द बुक ऑफ डचेस एंड अ कंप्लेंट ऑफ द ब्लैक नाइट एंड असम्बली ऑफ गॉड ये सारे वर्क किसके थे जॉन लिटगेट के थे आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्क है वो है आपका लंदन लिख पैनी ये आपको याद रखना है थॉमस ऑकलिव थॉमस ऑकलिव का आप देख सकते हैं लामेल रिगेल ये इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है अ लेटर टू तो क्यूपिट इट इज़ एलेगरी जो कि मैंने अभी तक आपको बताया है कि मोस्ट ऑफ वर्क जो है आपको एलेगरी देखने को मिलेंगे मॉडल ऑन द लीजेंड ऑफ द गुड वुमेन इसी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसी तरह के क्वेश्चन कि किस वर्क पे ये मॉडल है आप देखेंगे पुर, पुराने कोई भी एग्जाम उठा लीजिए आप के बी एस एन बी एस के उसमें एक दो क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं गवर्नर ऑफ प्रिंसेस गवर्नर ऑफ प्रिंसेस इज द वर्क ऑन मॉर्निंग ऑन द डेथ ऑफ चौसर चौसर की डेथ पर उन्होंने एक वर्क लिखा था गवर्नर ऑफ प्रिंसेस तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि मॉर्निंग ऑफ द डेथ ऑफ़ चौसर जो है uh, इस इवेंट पर डेथ ऑफ चौसर पर जो आपके थॉमस ऑकलिव थे विच वर्क ही रोट so it was governor of princes the complaint of our lady this is another work and the reason, regiment of princes and uh, it was the collection of rule of conduct for princes and who was the prince it was henry v and he also wrote a work oclifsk uh, Complaint. so these are the works hopefully you have learned all these now and you have noted down नाउ लेट्स कम टू दिस पार्ट एंड हियर इज़ बैलेट तो उसमें इस टाइम पीरियड पर फिफ्टीन सेंचुरी का जो पीरियड था वहाँ पर बैलेट्स का हम कहेंगे स्टार्टिंग पॉइंट ही था सो फोक बैलेट दो तरह के बैलेट्स हैं देर आर टू काइंड ऑफ बैलेट्स सो फर्स्ट वन इज़ फोक बैलेट सो फोक बैलेट इज साइन ऑफ ग्रुप कॉम्पोजिशन सो इट वॉज़ फॉर ग्रुप कॉम्पोजिशन एंड फॉर इंडिविजुअल कॉम्पोजिशन मिन्स्ट्रल बैलेट्स व Made establishment of the printing press in fourteen seventy six by Caxton contributed much to the development and popularity of English prose. So, jo English prose Caxton printing press ka bahut impact pada. So, what was the influence? We can now just imagine. Now, uh, before Caxton print, printing press, there were no printing press, and uh, people had to write down, uh, you know, their manuscript. तो उन्हें खुद अपने हाथों से सारी चीज़ें लिखनी होती थी नाउ दे आर वर्ल प्रिंटिंग प्रेस एंड इट वॉज ईजी टू स्प्रेड लिटरेचर एंड देन देर वर लॉट्स ऑफ रीडर्स ओवर देर तो बहुत सारे रीडर्स वहाँ पर हो चुके थे रेगीनाल्ड uh, पिकॉक जो हैं रिप्रेसर ऑफ ओवर मच ब्लैंग ऑफ द कलर्जी एंड उन्होंने लिखा था बुक ऑफ फेथ सर जॉन फोर्टिस्क उसके बाद एक राइटर थे एंड द पेस्टर्न लेटर पेस्टर्न लेटर उस टाइम को जानने का एक सोर्स है एंड इट वॉज कलेक्शन ऑफ़ लेटर्स ऑफ पेस्टर्न फैमिली पेस्टर्न फैमिली के जो लेटर्स लिखे गए थे उनका एक कलेक्शन है और उसी को हम पेस्टर्न लेटर्स का कलेक्शन जो है उससे हम जानते हैं कि जो फिफ्टीन सेंचुरी थी और वो टाइम पीरियड था वो कैसा था कैक्सटन द रेसल ऑफ़ द हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय एंड द गेम ऑफ एंड प्ले प्ले ऑफ चेस सो दीज टू आर ट्रांसलेशन वर्क्स बाय कैक्सटन सर थामस मैलरी नी दिस वन सो सर थामस मैलरी फोर्टीन सेवेंटी वन और इनका एक वर्क जो था वो आपका आर्सर एंड राउंड टेबल ओके सॉरी इट वॉज मोटेडी ऑथर मोटेडी ऑथर वॉज़ रिलेटेड टू तो आर्सर एंड राउंड टेबल जो आर्सर हैं उनके आ, उनकी आपने मूवीज़ वगैरह भी देखी होगी हॉलीवुड की तो वो एक आ, नाइट थे